हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एक यूएसबी ऑडियो इंटरफेस खरीदने वाले हैं या आपने खरीद लिया है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यूएसबी ऑडियो इंटरफेस क्यों नहीं खरीदना चाहिए, क्या उसकी कमियां हैं। लेकिन अगर यूएसबी ऑडियो इंटरफेस नहीं खरीदना है तो उसके ऑप्शंस क्या हैं, उसके बदले में हम क्या चीज ले सकते हैं, ये कंपैरिजन के साथ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। इसलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आजकल इस तरह के यूएसबी ऑडियो इंटरफेस या साउंड कार्ड कह लीजिए मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और ज़्यादातर एमेच्योर्स इसी को खरीदना पसंद करते हैं। इस यूएसबी कार्ड को खरीदना कोई बहुत फ़ायदे का सौदा नहीं है और इसका कंपैरिजन मैं करने जा रहा हूँ एक ऑडियो मिक्सर से। लेकिन आप कहेंगे कि ऑडियो मिक्सर से इसका कंपैरिजन क्यों, ये तो एक यूएसबी ऑडियो इंटरफेस है और इसका कंपैरिजन ऑडियो मिक्सर से क्यों। तो फ्रेंड्स, पहले कंपैरिजन देख लीजिए, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। सबसे पहली बात इनपुट्स की होती है फ्रेंड्स। तो देखिए, फोकस राइट 2i2 में 2 इनपुट्स हैं, यानी कि 2 इंस्ट्रूमेंट या 2 माइक्स एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं आप। जबकि MG10XU में 10 इनपुट्स हैं, यानी कि 10 इनपुट्स, 10 इंस्ट्रूमेंट, 10 माइक्स आप एक साथ यूज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 में देखते हैं, दोनों इनपुट्स पे फैंटम पावर सप्लाई मिलेगी आपको कार्लेट में, और MG10XU में सारे चैनल्स पे आपको फैंटम पावर सप्लाई मिलेगी। और अगर आप इनपुट्स को यूज़ करते हैं तो आप मोनो 2 चैनल्स रिकॉर्डिंग कर सकते हैं स्कारलेट में। थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स हार्डवेयर कंट्रोल की। तो हार्डवेयर कंट्रोल के नाम पर आपको स्कारलेट में एक मॉनिटर कंट्रोल, एक हेडफोन कंट्रोल, एक फैंटम पावर सप्लाई स्विच और कुछ इनपुट कनेक्टर्स, 2 गेन कंट्रोल्स मिलेंगे। जबकि आपको माइक इनपुट्स, पैड, SPF, LPF और चैनल राउटिंग, एक्सटर्नल इफेक्ट राउटिंग, ये सब सारे फंक्शंस मिलेंगे आपको हर चैनल पे। तो यहाँ पर भी ऑडियो मिक्सर भारी पड़ता है फोकस राइट पे। फोर्थ पॉइंट हम इफेक्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स। स्कारलेट ऑडियो इंटरफेस में कोई भी हार्डवेयर इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा, जो भी इफेक्ट मिलेंगे सॉफ्टवेयर के थ्रू आएंगे। जबकि ऑडियो मिक्सर में आपको हार्डवेयर के थ्रू इफेक्ट मिलेगा, यानी कि आप ऑडियो रिकॉर्ड करते समय ही जो इफेक्ट लगाने हैं, जो इफेक्ट अवेलेबल हैं मिक्सर में, वो आप डायरेक्टली मॉनिटर कर सकते हैं। पांचवें पॉइंट पर हम आते हैं फ्रेंड्स। तो लेटेंसी की बात हुई, क्योंकि मिक्सर एक एनालॉग डिवाइस होता है मोस्टली, इसलिए इसमें कोई लेटेंसी नहीं होती है। जो भी आप बोलेंगे, जो भी आप मिक्स करेंगे, आपको इमीडिएटली आपके कानों में सुनाई देगा। जबकि यूएसबी इंटरफेस में, चाहे अच्छा से अच्छा यूएसबी इंटरफेस हो, फोकस राइट भी एक बहुत अच्छा इंटरफेस माना जाता है जिसमें डायरेक्ट मॉनिटरिंग का बटन भी दिया हुआ है, फिर भी उसमें लेटेंसी होती है। किसी भी डिजिटल ऑडियो इंटरफेस में लेटेंसी होगी, लेकिन एनालॉग इंटरफेस में कोई लेटेंसी नहीं होती है। आप डायरेक्टली जो भी कर रहे हैं उसे मॉनिटर कर सकते हैं। सिक्स पॉइंट है फ्रेंड्स ऑडियो आउटपुट की। तो आपके फोकस राइट में यूएसबी के थ्रू आउटपुट होता है और 2 अनबैलेंस्ड TRS जैक के थ्रू आउटपुट है, और जबकि मिक्सर में बैलेंस्ड आउटपुट है, अनबैलेंस्ड आउटपुट है, और यूएसबी की बात हम बाद में करेंगे। सेवेंथ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स यूएसबी ऑडियो इंटरफेस, यानी कि एक ऐसा इंटरफेस जो यूएसबी के थ्रू आपके ऑडियो को कंप्यूटर से कनेक्ट करता है या इंटरफेयर कराता है। तो अगर ये चीज़ हमें ऑडियो मिक्सर के साथ मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। ठीक यही चीज़ है आजकल के ऑडियो मिक्सर्स में, जिसमें कि यूएसबी इंटरफेस इनबिल्ट होता है फ्रेंड्स। तो आपको यूएसबी इंटरफेस तो मिला ही मिला, बहुत सारे चैनल्स मिल गए, बहुत सारी फैंटम पावर सप्लाई मिल गई, बहुत सारे इक्विलाइजर्स, कंप्रेसर्स, इफेक्ट मिल गए, डायरेक्ट मॉनिटरिंग मिल गई। तो सवाल इस बात का है कि अगर दोनों चीज़ें लगभग एक ही प्राइस पॉइंट पर आती हैं तो हम वो चीज़ क्यों लें जिसमें कम फैसिलिटी हो, उसको क्यों ना प्रेफर करें जहाँ पे आपको ज़्यादा कंट्रोल्स, ज़्यादा हार्डवेयर कंट्रोल्स, कम लेटेंसी, ज़्यादा मॉनिटरिंग, ज़्यादा चैनल्स, ज़्यादा फैंटम पावर मिल रही हो। लेकिन ऑडियो मिक्सर विद यूएसबी इंटरफेस लेने के और भी कई सारे फ़ायदे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। स्टैंड अलोन ऑपरेशन एक बहुत बड़ा पॉइंट है यूएसबी ऑडियो इंटरफेस के साथ। यूएसबी ऑडियो इंटरफेस को आप कभी भी बिना पीसी के नहीं चला सकते हैं, बिना कंप्यूटर या मोबाइल के नहीं चला सकते हैं। जबकि ऑडियो मिक्सर विद यूएसबी इंटरफेस हो तो यूएसबी फंक्शन छोड़ के बाकी फंक्शंस जो आप सिर्फ पावर में प्लग इन करके चला सकते हैं। तो ऐसे केसेस में अगर आपको लाइव प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करनी है, प्रैक्टिस करना है, तो
ऑडियो मिक्सर विद यूएसबी इंटरफेस काम करेगा। आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, रिकॉर्ड करने की कंप्यूटर में अटैच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब फाइनल आपको करना हो तो कंप्यूटर से कनेक्ट करके आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग की। ज़्यादातर यूएसबी ऑडियो इंटरफेस टू चैनल्स की रिकॉर्डिंग करते हैं। अगर आप एक एक चैनल को मोनो करना चाहें या दोनों चैनल को मिला के स्टीरियो करना चाहें। जबकि कुछ ऐसे ऑडियो मिक्सर्स हैं फ्रेंड्स मल्टी ट्रैक, जैसे एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ साउंड क्राफ्ट कंपनी का सिग्नेचर 12 MTK मल्टी ट्रैक। अगर इस तरह का ऑडियो मिक्सर आपके पास है जो कि यूएसबी इंटरफेस के साथ है, तो आप 12 चैनल तक की मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग कर बाद में अपनी फैसिलिटी के हिसाब से हर ट्रैक हर इंस्ट्रूमेंट को आप एडिट कर सकते हैं। जबकि एक सस्ते यूएसबी ऑडियो इंटरफेस के साथ ऐसा नहीं मिलेगा आपको। अगर दोनों मिक्सर और यूएसबी इंटरफेस से रिकॉर्ड की जाए तो हमें किस क्वालिटी की ऑडियो मिलेगी, इस बारे में बात कर लेते हैं। जैसे स्कारलेट का जो इंटरफेस है वो भी 24 bit 192 kHz की ऑडियो क्वालिटी रिकॉर्ड करता है स्टीरियो में। और इस तरह का छोटा मिक्सर जो MG10XU है, ये भी 24 bit 192 kHz की ऑडियो रिकॉर्ड कर सकता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं फ्रेंड्स कि यूएसबी ऑडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। और एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात बताता हूँ फ्रेंड्स आपको। होता क्या है कि जब हम होम ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो सेटअप करते हैं या कुछ ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो एक सिंपल यूएसबी इंटरफेस ख़रीद लेते हैं जिसमें दो इनपुट्स और कुछ हेडफोन वगैरह लगाने का प्रोविज़न रहता है। लेकिन बाद में जब हमारा काम एडवांस होने लगता है, हमें लगता है कि एक आदमी गिटार है, एक आदमी पियानो है, एक ड्रम है लगाना है, तो आपको फिर प्रॉब्लम फील होने लगती है। और उसके बाद कभी ऐसा होता है कि चलो यार प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा सा ऑडियो का पहले, उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे, ये भी काम आपके यूएसबी इंटरफेस से नहीं होता है। तो ये बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है, तो इस बात को बिल्कुल कंसीडर कीजिएगा, क्योंकि आगे तो आपका काम इंक्रीज ही होना है, कम तो नहीं होना है। इसलिए आप हमेशा ऑप्शंस ज़्यादा रखिए। ये बात बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर एक ही प्राइस पॉइंट पे मुझे फोर व्हीलर मिल रहा है और उसी पैसे में मुझे टू व्हीलर मिल रहा है, तो फिर मैं टू व्हीलर क्यों खरीदूँगा। फोर व्हीलर टू व्हीलर से हर मामले में बेहतर है। ठीक ऐसी ही कंडीशन यूएसबी इंटरफेस और ऑडियो मिक्सर में है। यूएसबी इंटरफेस का सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा एक यही है कि छोटा होता है, पोर्टेबल होता है। लेकिन अगर पोर्टेबिलिटी चाहिए तो बहुत सारे मिक्सर्स भी हैं, जैसे बेहरिंगर का है 1204 FX USB, भी काफ़ी छोटा मिक्सर है, आप हाथ में उठा सकते हैं आराम से, सारे फंक्शन से उसमें। इस तरह के कोई मिक्सर ले लीजिए। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर आप शुरुआत में हैं और एक यूएसबी ऑडियो इंटरफेस ख़रीदना चाहते हैं, तो हमेशा ऑडियो मिक्सर के साथ जो यूएसबी इंटरफेस इनबिल्ट है वो खरीदिए। स्टैंड एलोन यूएसबी इंटरफेस मत खरीदिए, क्योंकि आपको तुरंत ही उसे अपग्रेड करने की ज़रूरत महसूस होने लगेगी और आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। दिस इज़ माई कंक्लूजन फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।